पटियाला जिले के पिंड बादशाहपुर समूहक बलात्कार की शिकार कुड़ी की मौत का मामला होर गंभीर होता जा रहा है। इस मामले च पुलिस विभाग की जांच के बाद जिस थानेदार नसीब सिंह नूं बर्खास्त किया गया सी उसके रिश्तेदारा ने पुलिस और सियासी आगुओं से इस सारे मामले लिए जिम्मेवार होने का इल्जाम लाया। परिवार वाले ने पुलिस से नसीब सिंह नूं बिल्कुल नजायज तौर पर फसाए जाने का दोष लाया। नसीब सिंह के रिश्तेदारा ने कहा कि उसने अपनी ड्यूटी निभाने च कोई कोताही नहीं की। मामला नजायज होया जी, नसीब सिंह ने जो अपने अफसर के तहत कोई कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही करता रहा, जिनी भी रिपोर्ट आई वो दर्ज करता रहा, बाकी जिन्हें मुल्ज उसी ने फड़े भी हैं तो बाकी ये फड़ा सियासी दबाव करके छड़ी जाते सी। अस ये कहने भी जो दोषी है वनू असली दोषियों को फड़या जाए, तो नसीब सिंह से जो मतलब कार्रवाई है वो नजायज है, इनू मतलब बर्खास्त किया जाए। असं ये चाहते हैं भी CBI तो उसकी जाँच हो, जो सच है वो सामने आवे। सानू लड़की नाल भी हमदर्दी है, असं ये नहीं चाहते भी किसी धी भैन धक्का हो, पर असं ये चाहते हैं भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए जो नसीब सिंह नूं नहीं मिल रहा। इस करके असं ये करते हैं, मंग करते हैं प्रशासन को पब्लिक को भी सानू ये जिहड़ा इंसाफ है CBI ही दवा सकती है, क्योंकि इत्थे सियासी दबाव है जो कल नसीब नूं मोहरा बना के खेलिया जा रहा है। भी असं नहीं चाहते भी साढ़े नाल जो धक्का हो रहा उन्होंने धक्के बर्दाश्त करन जोगे असीं नहीं है। असीं गरीब आदमी है ना, नसीब सिंह सह सकता वह मरीज है, तो वह हुण भी मतलब बहुत टेंशन दे विच है, ता कि सानू जे कल कोई साढ़े बंदे कुछ उन्नीकी हो जाती है तो असीं इन्हां बंदियां नूं जो भी मतलब दोषी पाया गया असीं उन्हूं जिम्मेवार ठहरावांगे। हुण सवाल यह पैदा हुंदा है कि जेकर नसीब सिंह जो इस वेले जेल च बंद है ने अपनी ड्यूटी च कोताही नहीं की तो की सियासी आगुओं ने उसनूं अजिहा करन तों रोकिया सी? की नसीब सिंह थानेदार नूं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मोहरा बनाया? की पंजाब पुलिस ने पंजाब सरकार के कहने मीडिया सामने अपनी नक् बचाने लिए थानेदार नसीब सिंह नूं बलि का बकरा बनाया? ये कुछ सवाल ने जिहड़े पंजाब पुलिस अते पंजाब सरकार नूं देने बनते हैं। नसीब सिंह के पुत्र का कहना है कि इस मामले की जांच CBI तो कराई जाए क्योंकि उन्होंने किसी भी होर एजेंसी से भरोसा नहीं है। फादर कहते जब भी फोन आया, जो लास्ट बारी फड़िया जब भी फोन आया कहते भी नसीब सिंह इन्हों छड़ दे भी इन्हों भी तू इन्हू छड़ दे। मेरे फादर कहते जा तो सरदार जी अपनी मिसल चक लिया जो जा मैनू रेस्ट पाण दो। ये भी जी लास्ट वारी बंदे फड़े ने वह भी अपनी जरूरत करके फड़े ने भी मैं भी मेरे ते कल कोई एक्शन आ जाए, जो मेरे बनती कार्रवाई है वह करा पूरी। जो इन्हों का अहम रोल सीगा जिनी ड्यूटी सी इन्होंने तनदेही नभाई है, अज की डेट के सारे अफसर परे हो गए। जिहड़ी सच्चाई है एक SHO छड़वांदा रहा डॉक्टर जीवन दत्त शैली छड़वांदा रहा, परमिंदर गिनी देविंदर गिनी वह छड़वांदा रहा। सारा एंड दे विच इन्हें इहदे विच SSP SHO DSP सारे इनवॉल्व ने, सारिआं नूं पता सी इस केस का। BJP दे लीडर ने इन्हां सारे अफसरां ते सारे अफसर पिछे हो गए। मेरे फादर नूं कल्लिआं नूं फसाया जा रहा, पुलिस हुण तक सानू गुड फेस च लैके धक्का करदी रही, कोई गल नहीं नसीब सिंह असी तेरे नाल, असी तेरा बहुत चंगा कर दांगे, तू कुछ बोली ना, असी तेरे नाल हां, तैनू कुछ नहीं होण दिंदे। साडे नाल बिल्कुल धक्का कीता गया जो भी है। बाकी जिहड़ा कुड़ी नाल होया बलात्कार का मामला, सानू इस बारे दुख है, परिवार नाल भी कुड़ी नाल धक्का होया जो भी है। मेरे फादर ने जो बनती कार्रवाई की सानू असी कहने असी इस गल का विरोध करते हैं जिहड़ा बलात्कार, पर बलात्कार जिन्होंने किया उन्होंने सज़ा मिले, जिन्होंने बलात्कार किया साढ़े साढ़े नाल कादी दुश्मनी है। जे असी ये भी नाल कहने भी जे साढ़े फादर की गलती है तो इन्हों जरूर गलती की सज़ा मिले, पर इन्ना धक्का नजायज ना करो। मैं आप दे अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा भी CBI इनकुआरी की मंग करते हैं, साड़ी CBI इनकुआरी की जाए, जो भी असल जेड़े दोषी ने वह फड़े जाने। ये तलाह के बहुत बड़िया बड़िया मच्छियां तुरिया फिर कल नसीब सिंह कुछ नहीं बनता। नसीब सिंह के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने कानून अनुसार काम किया, पर वड्डे अधिकारियों और सियासी दखल कारण दोषी नहीं फड़े गए और जां उन्होंने छुड़वाया जाता रहा, जिस कारण दुखी होकर पीड़ित कुड़ी ने जहर खा लिया। पर कुड़ी नाल जहर खाने वाले मुंडे नूं क्यों छड्ड दिता गया जबकि उसनु कुड़ी दे नाल ही राजेंद्रा हस्पताल दाखिल करवाया गया सी? कुड़ी की मौत तो बाद मुंडा उत्थों क्यों भज गया ते बाद च पुलिस ने उसनु राजस्थान तो फड़िया सी, पर पुलिस ने उसते कार्रवाई क्यों नहीं की जां उसते खुदकुशी का मामला क्यों दर्ज नहीं किया? नसीब सिंह के परिवार वाले ने पुलिस अधिकारियों दोष लाया
कि उसनु सच बोलन कारण धमकी दी जा रही है कि तेरा परिवार इस मामले दे चुप रहे नहीं तो अंजाम बुरा होएगा। हुण पंजाब पुलिस के अधिकारियों वालों अंजाम बुरा होने की धमकी क्यों दी जा रही है, यह एक बड़ा मसला है। पटियाला तो मनोज शर्मा नाल सुरेंद्र सिंह, डे एंड नाइट न्यूज़।